जीविका के दीदियों के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम सहयोग महिला जीविका उत्पादन कंपनी रखा गया और यह नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में अवस्थित है। इसमें बीएडी के 10 सदस्यों का चयन किया गया और इन 10 सदस्यों की भूमिका पीसी के हरेक ट्रांजैक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस साल हमारी जीविका के दीदियों के द्वारा बनाई गई कंपनी के द्वारा एक पोटैटो वैल्यू चेन के ऊपर काम किया गया जिसमें तकरीबन 80 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया। इसमें हमने 3 प्रखंडों का चुनाव किया जो कि नूरसराय, बिहार शरीफ और रोही प्रखंड रहा और यहाँ के किसानों से हमने आलू की खरीदारी की है। इस तरह से हमने अभी तक कुल 1,30,00,000 का ट्रांजैक्शन इस कंपनी में किया है। सबसे पहले हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो 90 दिन जो पुराने फसल होते हैं आलू के, उसको किसान क्या करते हैं कि उसका जो डंठल होता है, जो पेड़ होता है, उसको पहले उखाड़ करके लोग उसको साइड कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे जो भाई जो होते हैं वो अपने लेबर से आलू को कुदाली से उसको उखाड़वाते हैं और उखाड़ने के बाद हम लोग उसका अपना जो जीविका का जो ट्रेंड लेबर है, जिनको कि हमने एक लेबर पूल बना करके उनको ट्रेनिंग दिया है कि कैसे उनका सॉर्टिंग करेंगे, फिर कैसे उनका ग्रेडिंग करेंगे और किस किस तरह से उनका 3 ग्रेड बनाएंगे, ए बी सी ग्रेड। अगर हम बात करें सबसे पहले जब हमारा फील्ड में काम चालू होता है तो फील्ड स्टाफ के द्वारा वापस हमारे जो लेबर पूल है उनको फील्ड में ही ओरिएंटेशन दे दिया जाता है कि किस तरह से हमारा सॉर्टिंग होगा, ग्रेडिंग होगा और पैकेजिंग होगा, कितना वजन होगा, किस तरह से लोडिंग किया जाएगा ट्रैक्टर पे। दीदी देखिए, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आलू का ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना? तो आलू का ग्रेडिंग में देखिए, एज जो है हमारा, एज जो बड़ा दिख रहा है आपका, दिख रहा है ना ये सब? देखिए ये सब जो है, ये सब हमारा किस में आएगा? ए ग्रेड में आएगा, ठीक है, ए ग्रेड में आएगा। और ए ग्रेड को हम हमेशा अलग ही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब हम ग्रेडिंग करेंगे, हम बी ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? बी ग्रेडिंग का, बी ग्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जब आपको रखना होगा तो ये आप एक अलग बोड़े में इसको आप पैक करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी ग्रेड का हमारा यहाँ पे रखाएगा दीदी। तो देखिए अब हम चलेंगे सी ग्रेड पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस तरह का उठाइए अपने पास, देखिए है इस तरह का, देखिए आप लोग निकालिए। ये जो हमारा आएगा, ये हमारा सी ग्रेड का आएगा, समझ गए। ये जो हमारा इस तरह का साइज का होगा उसके एक अलग बोड़े में, इस तरह का साइज होगा बी ग्रेड का उसको हम अलग बोड़े में और सी ग्रेड का अलग बोड़े में। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको बहुत सारे हमारे खेत में आलू होते हैं ना, उसमें से हमें छाटना भी है। ये जो हमारा आलू है ना, ये देखिए हमारे यहाँ पे है ना चित्ता छेद टाइप का है, ठीक है ना। तो इसको हमको नहीं लेना है, तो अगर इसमें इस तरह का आलू हम इसको नहीं लेंगे। अगर इस तरह का आलू रहेगा तो आप सीधा इसको साइड में हटा दीजिएगा। दीदी ये आलू देखिए हमारे पास, ये आलू जो है ना देखिए हरा है और इसमें चित्ती भी लगा हुआ। तो जो आलू हमारा जिसमें मान लीजिए कि 5-10% आलू जो हरा होगा ना, समझ गए, उसको हम लेंगे। अगर उससे 10-15% ज्यादा होता है तो हम उसको भी छाड़ देंगे। सर ये कटा वाला जो आलू है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको नहीं, इस तरह के जो आलू होगा दीदी, जो भी आलू आपको इस तरह कटा हुआ दिखेगा ना, ठीक है, इसको बोड़े में डालना ही नहीं है, इसको सीधा हम इसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। हम इस तरह के आलू को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ग्रेडिंग के बाद हमारे लेबर क्या करते हैं कि उसको ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पैकेट में रखते हैं। बड़े वाले साइज को अलग पैकेट में डालते हैं, जो मीडियम साइज होते हैं उसको अलग पैकेट में डालते हैं और जो सबसे छोटे होते हैं उसको अलग पैकेट में डालते हैं। भरने के बाद क्या होता है कि उनको वजन किया जाता है। वजन में हम लोग 51 केजी
200 ग्राम लेते हैं एक पैकेट में वजन। वजन होने के बाद क्या होता है कि उसका स्टिचिंग किया जाता है। स्टिचिंग हो जाने के बाद उसकी टैगिंग की जाती है। टैगिंग में हर एक बोरे पे एक कोड लिखा जाता है। जैसे अगर देखेंगे आप तो कोड में पहले N लिखा हुआ है, ये बताता है कि हमारा किस ब्लॉक का है। यहाँ पे देखा जाए तो N का मतलब नूरसराय होता है। इसके बाद हमारा 16 लिखा हुआ है, 16 हमारा PG कोड बताता है कि नूरसराय में जो 16 नंबर का PG है उसका एक चलान है। और उसके बाद 16 के बाद आप चलान में देखें, 16 के बाद 793 लिखा हुआ है, 793 हमारा चलान नंबर है। जो एक किसान का जब आलू उठता है तो हम एक चलान काटते हैं और वो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। 793 के बाद देखेंगे वापस एक 16 लिखा हुआ है। 16 इंडिकेट कर रहा है कि उस किसान ने टोटल 16 पैकेट आलू जीविका को दिया है। तो कोडिंग हो जाने के बाद हम लोग लोडिंग करते हैं ट्रैक्टर पे। लोडिंग वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर वे में लोडिंग हो, कोई आलू ज्यादा चुराए नहीं, और जो बोरा जब हम ट्रैक्टर पे रखते हैं तो सही से आसानी से रखें। लोडिंग हो जाने के बाद हमारा गाड़ी फील्ड से मूव करता है। उसी समय लोडिंग के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल पैकेट लोड हो जाता है तब हम लोग उस समय चालान काटते हैं फार्मर्स का, जिसमें 4 कॉपी होता है चालान का। एक कॉपी जो है हमारा फार्मर को मिलता है जिसको किसान कॉपी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा कॉपी होता है वो हमारे PG को जाता है कि PG के पास अपना डाटाबेस मेंटेन हो कि उस PG से टोटल कितने फार्मर ने आलू दिए हैं, टोटल कितना पैकेट दिए हैं। तीसरा जो चालान होता है वो हमारा जीविका और जो टेक्नोसर्व के नाम से चालान होता है वो हमारे पास डाटाबेस के लिए मेंटेन होता है। और जो हमारा चौथा चालान होता है वो प्रोड्यूसर कंपनी को जाता है, जिसके साथ उस मेंबर का खाता का डिटेल और पासबुक का जो फोटोकॉपी होता है उसके साथ जाता है, जिसके बेसिस पे उसका पेमेंट किया जाता है। अगर हम लेबर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी लेबर है उनका एक लिस्ट बना हुआ है और उनको डेली बेसिस पे उनका एक अटेंडेंस होता है। अटेंडेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनका अल्टरनेट डे फील्ड में ही हम लोग 5 बजे के बाद पेमेंट कर देते हैं। मेरा नाम है लीला देवी, नेहा उत्पादन PG ग्रुप से जुड़ी हुई है। 8 बजे सुबह में आते हैं, काम करते हैं, सांझ के 150 रुपया दे देते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है, आते हैं सवेरे 8 बजे। जब हम काम पर आते हैं तो काम करते हैं, बोरा पकड़ते तो अगर आलू उसमें आता है कटा हुआ आता है या सड़ा हुआ एक आठ गलती से भी आ ही जाता है तो हम उसको छाट कर भी अलग करते हैं। छोटा बड़ा 2-3 साइज का आलू हम करते हैं, बड़ा और अलग करते हैं, मंझला अलग छोटा अलग करते हैं, और फिर शाम होता है घर जाते हैं। जो जीविका एंड टेक्नोसर्व के माध्यम से पोटैटो प्रोक्योरमेंट हम लोग ज्वाइंटली जो इस साल किए हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों को बेहतर से बेहतर प्राइस मिले, टाइमली पेमेंट हो, बिचौलियों के माध्यम से बिचौलियों से उनको छुटकारा मिले एंड उनको कैपेसिटी बिल्डअप हो कि उनकी क्वालिटी ऑफ जो पोटैटो होते हैं आलू के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उनका उनको उसी के अनुसार रेट मिले। ऐसा नहीं कि अभी तक जो ट्रेडिशनल था कि हर एक खेत में हर एक तरह के आलू थे लेकिन सबको एक ही रेट मिलता था, तो इसलिए उनको नहीं पता होता था कि मेरा अगर आलू बेस्ट है तो मेरे आलू का रेट बेहतर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं था इन चीज़ों को। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग कैपेसिटी करना कम्युनिटी को भी, फार्मर्स को, एंड उनको जो मैक्सिमम वैल्यू उनके पोटैटो का मिल पाए और टाइमली और ट्रांसपेरेंट वे में। जैसे इस बार हम लोगों ने टोटल 1236 मीट्रिक टन प्रोक्योर किया है एंड सभी का मतलब NFT के माध्यम से ई ट्रांसफ़र पेमेंट किया है, सभी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके उनके खाते में पेमेंट गया है। तो एक तो उनको टाइमली विद इन 3 डे पेमेंट मिला है एंड उनके आलू का उनके खेतों में ही ग्रेडिंग कराया गया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और जो उससे भी ज़्यादा खराब थे आलू उसको नहीं लिया गया है।
तो इससे उनको पता चला है कि मेरे आलू की क्वालिटी क्या होती है और ग्रेडेड आलू का वैल्यू क्या होता है। तो इन द कमिंग ईयर में वो आगे आने वाले सालों में इस तरह से सीख पाएंगे कि क्वालिटी पोटैटो का क्या रेट होना चाहिए, उनकी नॉलेज इन्हांस हो गई है और आगे भी वो करना चाहेंगे इस पे काम। इस तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था और इसमें हम लोग ने काफ़ी सफलता पाई है और आगे आने वाले समय में फार्मर हमारे साथ काम करने को इंटरेस्टेड हैं, नॉट ओनली इन पोटैटो, अदर इंटरवेंशन में, जैसे जो भी अदर उनके फूड ग्रेन्स होंगे उन्हें इनकी भी बात करें, नेक्स्ट ईयर पोटैटो की भी बात करें, तो उसमें वो लोग वेट करेंगे, इंटरेस्टेड हैं कि नहीं अब हम जीविका के साथ ही काम करना चाहेंगे। तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, हमारे बेस्ट प्राइस मिल रहे हैं, जो मार्केट से था उससे हम बेस्ट प्राइस दिए, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था।